बोलिए, जो यूफा प्रिंसिपल था बेटा, उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में किए जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यूफाब ने ये कह दिया सिंपल। और यूफाब जो है, कहा तो किसने था आपका, जो पोली और आपका निल्स बोर था। यूफाब का मीन्स क्या था यहाँ पे आपका, बिल्डिंग अप। इसका मीन्स क्या था आपका, बिल्डिंग अप नाम था इसका, जर्मन वर्ड आपका। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में किए जाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे किए जाएंगे, एनर्जी कैसे बताओगे? तो मेंडेलंग ने बताया कि आप एनर्जी को एन प्लस एल रूल से निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकेंड जो आपका ये रूल है वो है पॉलिंग एक्सक्लूजन। ठीक है, बोलिए बेटा, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है। वो ये कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन ये है सपोज कीजिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये पास, कोई दो इलेक्ट्रॉन आपके पास, मैं ये ऐसे मान लेता हूँ ये दो इलेक्ट्रॉन है। इसने कहा कि ये दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हो आपके, उनके जो है चारों के चारों जो क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो फोर क्वांटम नंबर आपके, फोर क्वांटम जो नंबर हैं कैन नॉट सेम। हो सकता है उसमें तीन क्वांटम नंबर सेम हो, एटलीस्ट उसमें एटलीस्ट थ्री क्वांटम नंबर जो आपका वो सेम हो सकते हैं, पर एक क्वांटम नंबर तो चेंज होगा, वो कौन सा हो सकता है, स्पिन। स्पिन तो चेंज होगा ही होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। यहाँ पे मैंने लिया नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 7 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2 और 2p3 है। ठीक, 2p3 है आपका, और अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद जो है वो करूँ अगर ऑक्सीजन, तो आपका कितना आ जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p4। अगर इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल हुए हैं, इसमें क्या है, 2px है, ये आपका 2py है, और ये 2pz है। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन बात करें बेटा, तो यहाँ पे क्या होंगे आपके, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे हो गया, ये 2px है बेटा, ये आपका 2py है, और ये 2pz है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी। और यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, 2px के, 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो दो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर अपन बात करें उनका एन क्या है, 2 है भाई, ये आपका क्या होता है, सेल होता है बेटा। एल क्या है उनका, एल क्या होता है, देखिए एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ये आपका क्या होता है, एस, ये पी, ये डी और ये एफ। तो पी के लिए क्या होगा, 1 होगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर, जिसका जिसका ऊपर आपका क्या है, ये सिंबल है इस तरह से, ये वाला जो है, और एक आपका नीचे वाला सिंबल है, नीचे वाले का भी एन कितना होगा, 2 होगा, एल कितना होगा बेटा, 1 ही होगा। और बात करें अगर यहाँ पे जो एक्स है, तो पी एक्स की वैल्यू भी आपकी कितनी होगी, पी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में ये 1 होगी, जो पी एक्स की वैल्यू होगी वो भी दोनों की सेम ही होगी, क्योंकि पी एक्स में ही दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बात करें अब
जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की साइड है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की साइड है, मतलब इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो आपकी पॉजिटिव हाफ है और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो हो क्या है आपकी नेगेटिव हाफ है। तो यहीं पे है मैंने बताया कि जो फोर क्वांटम सेट है वो सेम नहीं हो सकते। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि एटलीस्ट हो सकते हैं तीन क्वांटम नंबर आपके सेम हो, पर आपका जो स्पिन है वो हमेशा क्या होगा, चेंज ही होगा। एक ऑर्बिटल में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया भी था पिछले क्लास में, कि एक ऑर्बिटल में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं पर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो सेम नहीं होती। तो स्पिन सेम नहीं होती तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर, वो आपका क्या होगा, हमेशा ही सेम नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, अलग अलग ही होगा। यही है आपका पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। बात समझ में आई तो मेरे को बताइए, मैं फिर एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आगे बात सुन, एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई बात नहीं। देखिए बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। चलिए देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फ्लोरीन का। फ्लोरीन कितना, 9, तो 1s2, 2s2, 2p, ये हो गया 5, यही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो 2p5 है वो आपका क्या होगा, देखिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा और पांचवा। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन दोबारा फिल करते हैं। ठीक, इसको होन्स रूल बोलेंगे, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये यह आपका क्या है, 2px है, ये आपका क्या है, 2py है, और ये आपका 2pz है। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, 2px क्या ले लेता हूँ और यहाँ पे 2py के ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला है, ये हो गया और ये नीचे वाला हो गया। इसी तरह से ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले लिया और ये नीचे इलेक्ट्रॉन वाला ये ले लिया। अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन में सेल, ये आपका क्या होता है बेटा, अगर मैंने जैसे सपोज कीजिए 3, बिल्कुल 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 सही है, क्लॉकवाइज यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर मैं कहूँ जैसे 3 3 है आपका और यहाँ पे 3dx है, dx है, dx² y² है जो भी आपका, तो यहाँ पे आपके पास ये जो 3 होता है बेटा वो क्या होती है, सेल होती है, और d आपकी क्या है, सब सेल होती है। आया ना, तो n कितना आपका यहाँ पे 2 है, इसमें n कितना है 2 है। ठीक है, l कितना है, l अभी देखा था p के लिए 1 है, इसमें भी l कितना है 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों में p जो x है उसमें सेम ही होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव आपका हो सकता है। अब बात करें यहाँ पे जो एक स्पिन है आपका हाफ होगा, तो एक स्पिन आपका क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे तीन क्वांटम नंबर तक तो सेम थे पर ये क्वांटम नंबर आपका क्या हो गया, अलग हो गया। इसी तरह से जो 2PY है, तो 2PY है तो वहां पे क्या होगा, n इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपका 2 है, बिल्कुल 2, और यहाँ पे भी कितना है, 2 है। अगर बात करें l तो यहाँ पे भी 1 है, l यहाँ पे भी क्या है, 1 है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे p, p क्या है, y है, py यहाँ पे या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। प्लस माइनस कैसे बेटा, अगर ये सपोज कीजिए आपका प्लस है तो ये आपका माइनस होगा उस टाइम पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पी वाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी तरह से पी वाई भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस माइनस 1 होगा। तो एस जो है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे ऊपर वाला जो वो आपका हाफ प्लस हाफ, और नीचे वाला जो वो आपका माइनस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका है दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ये आपका अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, यही आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है बेटा। अगर बात समझ में आई तो मेरे को बता दीजिए। बोलिए बेटा, लैंग्वेज लिखवा दूं इसकी, अगर बात समझ में आ गई तो।
बोलो। चलिए, था अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्या है इस रूल के अनुसार? नो टू इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कैन सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। ठीक है, इसी को हम ये कह सकते हैं कि इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट एट लीस्ट थ्री क्वांटम नंबर विल बी सेम बट देयर स्पिन विल बी चेंज्ड, दैट इज दे आर अपोजिट स्पिन। ये क्या होंगे? अपोजिट स्पिन में होंगे। ये आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बेटा, बस इतना ही आपका ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है।